नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति झाझा में है और झाझा की बेटियां लगातार जो है झाझा का नाम रोशन कर रहा है। और ऐसे में बिहार रिजल्ट, ट्वेल्थ का रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट आया है और बिहार टॉप की है, उसमें से एक बच्चिया झाझा की बच्ची है। और चलिए उनसे जानने की प्रयास करते हैं कि कैसे पढ़ाई हुई है और आगे क्या करना चाहते हैं। पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? रिया सिन्हा। कितना नंबर लाए आप? टोटल 450 आया है। क्या सब्जेक्ट थी आपके? मेन आर्ट्स। आर्ट्स थे। कितना नंबर आया आप? 450। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे यूपीएससी करना चाहते हैं। क्यों यूपीएससी क्यों? और भी तो कुछ है आगे कर सकते हैं? हाँ, पर मेरा ड्रीम है ये, और अगर हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं ये करके तो हम करना चाहते हैं इसलिए। कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे? 7 से 8 घंटा। कहाँ कोचिंग पढ़ते थे? कहीं भी नहीं, खुद से ही पढ़े हैं। कोई भी कोचिंग नहीं पढ़े? कोई कोचिंग नहीं, नहीं। अच्छा, पढ़ाई में जब मन नहीं लगता था तो फिर क्या करते थे? ऐसे तो पढ़ने में मन लगता है, पर नहीं लगता था तो उठ के थोड़ा मम्मी लोग से बात करना या गाना वाना सुन लेते थे। अच्छा, सोशल नेटवर्क के ज़माना है, आप सोशल नेटवर्क का यूज कितना करते थे? नहीं, सो बस पढ़ाई के लिए ही सोशल का यूज़ करते हैं, ऐसे और कुछ भी नहीं। आदर्श आपकी कौन है? किनको मानते हैं आदर्श अपना? पापा को। पापा के क्यों मांगते हैं? क्योंकि पापा हर चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, पढ़ने के लिए भी हमेशा आगे रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमेशा आप प्रोत्साहित करते हैं। आगे जो आप अपने आईएएस बनने के सपना कह रहे हैं, तो आप डॉक्टर भी बन सकते थे? हाँ, बन सकते तो थे, पर ये बनने का, डॉक्टर बनने के लिए आप बायोलॉजी नहीं ली है ना? हाँ। अच्छा, रुचि आपको आईएएस बनने का कब से आया ये रुचि? ये 10th के बाद से। किसी को आपने देखा था कि या ऐसे फिर कि सब कहाँ देखे था कि आपने, आपको लगा कि हमको आईएएस बनना है ये? और पहले ही नेटवर्क, सोशल नेटवर्क में ही देखे थे तो एक इच्छा जागा था कि हमको भी आईएएस बनना है, इसलिए। आईएएस बनकर क्या करना चाहते हैं आप? अपने देश के लिए, अपने जिला के लिए जो भी अच्छा हो सकता है, जो भी हम अच्छा कर सकते हैं और सुधार ला सकते हैं वो करने की कोशिश करें। करप्शन के मामले में अभी भी कम ही, ज़्यादा ही है, तो करप्शन को आपको कैसे रोकेंगे? करप्शन तो बहुत है, जहाँ तक हो सकेगा करप्शन को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसा पावर आ जाता है हाथ में कि करप्शन रोका जा सकता है। कौन सा कॉलेज से पढ़ते थे आप? DSM कॉलेज झाझा। शिक्षा के वहाँ, आप वहाँ का शिक्षक जो है आपको कैसे सपोर्ट करते थे, क्या गाइडलाइन थी उनकी? गाइडलाइन तो अच्छी थी, संजय सर है यहाँ के, वो उस कॉलेज के, वो बहुत सपोर्ट करते थे, सारा गाइडलाइन वही बताते थे। आगे बनने के रुचि है तो आप बिहार में पढ़ना चाहेंगे या कोटा जाने के प्रयास? नहीं, कोटा तो नहीं, पर DU या BHU में एडमिशन करवाना चाहेंगे। फैमिली सहमत है? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? मेरा रैंक झाझा में तो टॉप है, पर डिस्ट्रिक्ट में 7th रैंक है। 7th रैंक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। आप क्या क्या नाम हुआ जी? विद्या सिन्हा। आपकी कौन है? मेरी बेटी है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। आगे भगवान करे सबकी बेटियाँ ऐसे आगे करे। आगे इनके लिए क्या सोची? आगे तो इसका वही मन है, BHU या DU में एडमिशन हो जाए, अच्छे से पढ़ें, IAS का तैयारी करें, उसको पूरा करें, इसका ये सपना है। हम लोग जहाँ तक हो पाएंगे इसको सपोर्ट करेंगे, आगे रहेंगे, जितना आगे बढ़ सके। अच्छा, आपका कितना बेटा है? एक बेटा, एक बेटी है, ये बड़ी है, वो छोटा है। ज़्यादा पढ़ने में तो तेज कौन है? तेज यही है। यानी बेटियाँ परचम ला रही है? हाँ, एकदम जरूर। अच्छा, फैमिली वाले को कितना सपोर्ट मिल रहा है अब तक? किसका कॉल आ चुका है? कॉल तो बहुत सारा आया है जब से रिजल्ट आया है, बस फोन पे ही बिजी है, तो सब बहुत खुश है। नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सिन्हा। क्या करते हैं आप? एडवोकेट, जम्मू कोर्ट। हाँ। आज आपकी बेटी पूरे झाझा में टॉप किया है, कैसा लग रहा है सर? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह आगे बढ़ते रहे, सबका नाम रोशन करे, बहुत मन लगा के पढ़ती है, हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं इसको। क्या उनका IAS बनने का सपना है, क्या शादी करवा के भेज दीजिएगा या IAS बनवाइएगा? नहीं, फिलहाल तो पढ़ेगी, उसके बाद पढ़ाई बाद नौकरी होगा, उसके बाद ही कुछ होगा आगे। सर, कुछ नहीं, एडवोकेट है, कहीं ना कहीं आपका भी मन होगा कि हमारी बेटी जज न्यायाधीश में बैठे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि इधर UPSC इसका मन में आ गया है कि वही करना है तो ही करेंगे इसको। झाझा में बहुत बच्चे UPSC